Chief Justice Sahiban, Balochistan High Court, Honorable Judges Sahiban, Balochistan High Court, Honorable Judges Sahiban, District Judiciary, Member Supreme Court Bar Council, Honorable Sadar, High Court Bar Association, Honorable Member President, District Bar Association, Honorable Seniors, Member Supreme Court Bar Association, Honorable Member High Court Bar Association, Honorable Member District Bar Association, Honorable Advocate General Balochistan, Honorable Prosecutor General Balochistan, Assalamu Alaikum. सबसे पहले मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट को और ऑनरेबल जजेस साहिबान को आज के लिए न्यू ज्यूडिशियल ईयर 2019 रेफरेंस मुनक्कद करने पर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक नई रिवायत एक नए बाब का इजाफा किया कि बजाय इसके कि जजेस या ऑनरेबल जजेस से कोई मीटिंग करें और अपने फैसले करके हमें बताएं आज उन्होंने कि हमें मौका फराहम किया कि हम जो भी मसाइल हैं जो भी बातें हैं हम उनके सामने या वो हमारे सामने करें और नए साल के लिए एक नए बाब का इजाफा करें कि हर बात को हम बिल्कुल सोच समझ के करें तो इस पर मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं लेकिन मसले मसाइल बहुत हैं जैसे हमारे कारी रहमत ने और शामू जतोई साहब ने यहाँ बताए लेकिन उन मसलों से हटकर हमें हमेशा हम ये अहद करते हैं कि 2019 में रूल ऑफ लॉ के लिए और अपने बलूचिस्तान के लोगों के हक के लिए आवाज उठाएंगे और उनके लिए काम करेंगे जैसे तारिक रहमत ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस्लामाबाद में डीजी नादरा से फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर से और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके बलूचिस्तान के लिए हमने देखा कि लाहौर में वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नादरा ऑफिस भी है बूथ है और पासपोर्ट ऑफिस भी है इसी तरह हमने वहाँ से मंजूरी लेकर इनको दी है अब आपसे ये गुजारिश है कि हमें इनको ऐसी जगह प्रोवाइड करें कि वो इंस्टॉल किए जा सके इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कचहरी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट में एटीएम मशीन लगाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं उसकी भी परमिशन हो चुकी है उसके लिए भी आपसे हमारे तमाम से कि उसका भी हमें जगह प्रोवाइड करें ताकि हमें बिलफर्ज कोई भी बुकला है किसी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े वहां पर हर चीज अवेलेबल हो तो एक बार मैं आप तमाम को एक बार दोबारा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमें सबको मिल बैठने का मौका फराहम किया शुक्रिया